भोजपुर जिला के व्यापार एवं उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधि संस्था भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा की आगामी सत्र 2021-23 के लिए पदाधिकारियों का चयन हुआ। आगामी सत्र के लिए श्री विश्वनाथ प्रसाद को अध्यक्ष, श्री प्रदीप नारायण दास एवं श्री शरद कुमार जैन को उपाध्यक्ष, डॉक्टर आदित्य बी जैन को महासचिव, श्री गुरुचरण सिंह एवं अंजनी जलान को संयुक्त सचिव तथा संजय जलान को कोषाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी सदस्यों में सर्वश्री धीरेन्द्र चंद्र जैन, मजहर हसनैन, राम बाबू प्रसाद, उमेश बेरिया एवं मोहम्मद समर का मनोनयन किया गया। भोजपुर चैम्बर के सदस्यों की आम सभा तथा स्थानीय श्री मैना सुंदर भवन दिगंबर जैन धर्मशाला जेल रोड आरा में आयोजित की गई, जिसमें महासचिव डॉक्टर आदित्य विजय जैन द्वारा अपने सचिव प्रतिवेदन के माध्यम से विगत 2 वर्षों में चैम्बर द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। वहीं आम सभा में चैम्बर के परंपरा के अनुसार व्यापार, उद्योग एवं नगर विकास से संबंधित जन उपयोगी मुद्दों को आम सभा के माध्यम से शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाए जाने हेतु सदस्यों द्वारा कुल 15 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसे सर्वसम्मति से पारित करते हुए उससे संबंधित शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विभागों में प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। संबंधित विभाग या ठेकेदार अपना तो काम कर लेते हैं, परंतु सड़क या गलियों का गुणवत्ता मरम्मत कार्य नहीं करते हैं और आम जनता को परेशानी है। जिस प्रकार व्यापारी जिस वस्तु या सेवा को नहीं देता है, उसे उस वस्तु या सेवा के लिए किसी प्रकार का मूल्य शुल्क लेने का अधिकार नहीं होता। ठीक उसी प्रकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज एक आम सभा का आयोजन किया गया, इस सभा का उद्देश्य क्या है? यह एक आम सभा जो वार्षिक होती है और द्विवर्षीय स्थिति में हम लोग अपने नए पदाधिकारियों का इलेक्शन भी करते हैं। इस आम सभा में, आज की आम सभा में पहले तो पदाधिकारियों का वर्ष 21-23 के लिए चयन हो चुका, चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। अब हम लोग अपने यहाँ आज विभिन्न विभागों से अपने डिमांड को प्रस्तावित कर रहे हैं और उसे पास कर रहे हैं, जिसे हम शासन व प्रशासन तक भेजेंगे कि नगरवासियों को, उद्यमियों को, व्यवसायियों को सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और वो अभी पास हो रहा है। इसके बाद हम लोग और व्यावसायिक गतिविधियों पर डिस्कस करेंगे।